नमस्कार डियर स्टूडेंट, आई एम प्रगति मिश्रा, आई एम योर साइंस टीचर. इन द लास्ट लेक्चर वी हैड स्टडी अबाउट द कॉटन, कि हमने ये देखा था कि कॉटन हमें कहाँ से मिलता है. तो एक बार हम उसको रिपीट करेंगे और उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे. ओके, तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि जब कॉटन की फार्मिंग होती है तो आपको जो गार्डन है जहाँ पे जो फार्म है वो पूरा इस तरीके से दिखाई देने लगता है. ऐसा लगता है कि पूरे में एक स्नो बिछी हुई है, तो पूरा व्हाइट. जब अभी बॉल जो है, कॉटन बॉल्स जो है वो मैच्योर नहीं हुई होती है, मैच्योर होने के बाद बस्ट हो जाती है, तब आपको इस तरीके से पूरा व्हाइट फार्म दिखाई देगा. ठीक है, इसके बाद आपने एक बार जब कॉटन बॉल बस्ट हो जाती है, उसके बाद आप उसको या तो हैंड पिकिंग के थ्रू या फिर आप उसको इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू उस कॉटन को रिमूव कर सकते हो. ठीक है, आप जब आप रिमूव करोगे उस फाइबर्स को निकालोगे, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गिनिंग. ठीक है, इसको बॉल से रिमूव करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गिनिंग. जब आपने इसको रिमूव कर दिया तो इसके बाद या तो आप इसको हैंड पिकिंग के थ्रू कर सकते हो या फिर आप इसको इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, आप यहाँ पे देख पा रहे हो डायग्राम में, इंडस्ट्रियल प्रोसेस हम कैसे इसको रिमूव करते हैं. इसके बाद आप इसको किसी भी फैब्रिक बनाने में यूटिलाइज कर सकते हो. आप जो भी बनाना चाहते हो कॉटन का, आपका फैब्रिक रेडी है, आप उसके बाद उसमें डिजाइन देके शर्ट पैंट जो भी बनाना आप बना सकते हो. ठीक है, तो ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि कैसे कॉटन फाइबर से हम कैसे कॉटन फैब्रिक बनाते हैं. ठीक है, आज हमें देखना है जूट. जूट क्या है? सबसे पहले तो कि अगर हम बात करें, हमने कल फाइबर को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ था, वन इज मैन मेड एंड सेकेंड इज नेचुरल. और फिर अगेन हमने नेचुरल को दो पार्ट में डिवाइड किया होता, प्लांट एंड एनिमल. तो जूट भी एक मतलब अभी हमने कॉटन देखा था, कॉटन भी एक प्लांट फाइबर है और जूट भी एक प्लांट फाइबर है. नाउ द क्वेश्चन इज कि जो जूट फार्मिंग हम करते हैं वो किस तरीके से करते हैं. अब हम दोनों को कंपेयर करके चलते हैं कि कॉटन और जूट में क्या डिफरेंस है. अगर हम कॉटन की बात करें तो कॉटन हमें कहाँ से मिल रहा था? फ्रॉम द फ्रूट, है ना, फ्रूट से मिल रहा था. जो प्लांट का फ्रूट था उधर से हमें कॉटन मिल रहा था. लेकिन इन केस ऑफ जूट, जूट के केस में हमें जूट कहाँ से मिलता है? स्टेम से मिलता है. कहाँ से मिलता है? स्टेम से मिलता है. अगर हम बात करें तो जूट की फार्मिंग हम करते हैं उसके लिए मोस्ट सुटेबल जो सीजन है वो कौन सा सीजन है? रेनी सीजन है. कौन सा सीजन है? रेनी सीजन है. जब आप एक बार उसकी फार्मिंग कर देते हो, उसके बाद जब वो मैच्योर हो जाता है उसका जूट, उसके बाद हम उसका स्टेम निकालते हैं और उसको क्या करते हैं, कुछ दिनों के लिए डिप, वाटर में डिप करके इमर्स कर रख देते हैं. इमर्स मतलब डूबा हुआ. ठीक है, आप डिप भी बोल सकते हो, इमर्स दोनों सिनोनिम्स है. आप वाटर में डिप करके उसको रख देते हो. ठीक है, फॉर यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हो, द सीजन ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स इन वॉटर फॉर अ फ्यू डेज. आप कितने डेज के लिए इसको, थोड़े दिनों के लिए रख देते हो. इसके बाद क्या हो जाते हैं, आफ्टर दिस दे रॉट. रॉट मतलब सड़ा हुआ, है ना. जब वो क्या हो जाते हैं, थोड़े दिनों बाद जैसे आपने उसको रख दिया तो वो क्या हो जाएंगे, रॉट हो जाएंगे, मतलब सड़ जाएंगे. उसके बाद आप उसको जूट को से सेपरेट कर सकते हो. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो जूट है वो बिल्कुल अलग प्रोसेस है. अगर जूट को अगर हमें रिमूव करना है, अगर हम चाहते हैं कि हम जूट को एक्सट्रैक्ट करें जूट प्लांट से, तो वहां पे हम किस थ्रू कर रहे थे कि गिनिंग कर रहे थे, कॉम्बिंग कर रहे थे. लेकिन इसको हम हैंड से सेपरेट कर सकते हैं. इसको भी हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू मशीन के द्वारा भी इसको कर सकते हैं, थ्रू मशीन भी हम इसको रिमूव कर सकते हैं. ओके, तो जूट और कॉटन को हम इस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं. इसके बाद आप इससे मशीन से करने के बाद इसको भी आप जूट फाइबर को भी फैब्रिक में चेंज कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट. ओके, अब हम देखते हैं कि एक बार जब आपने कॉटन का यार्न, अब मैंने कल आपको वीडियो में दिखाया भी था कि कैसे कॉटन से हम यार्न बनाते हैं. अब आप देखते हैं कि स्पिनिंग मतलब कि जो कॉटन फाइबर बना, जो कॉटन फाइबर है उससे हम यार्न बनाएंगे और यार्न के थ्रू हम क्या बनाएंगे, फैब्रिक बनाएंगे. तो जो यार्न से फाइबर, फाइबर से यार्न बनाने की प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं,
स्पिनिंग, क्या बोलते हैं उसको, स्पिनिंग, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप जरा देखें, स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, फाइबर से यार्न बनाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है जरा देखें, इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रोन आउट, ठीक है, जो फाइबर्स हैं वो जो कॉटन वूल मतलब जो हमने जो बॉल बस्ट हुई थी उसको रिमूव किया, फाइबर को निकाला एंड ट्विस्टेड, आपने उसको ट्विस्ट करना स्टार्ट कर दिया और इस तरीके आप फाइबर को संग में लेके आते हो तो क्या बन जाता है, यार्न। इसको हम एक बार फिर से देखेंगे थ्रू एक्सपेरिमेंट कि कैसे आप यार्न बनाओगे। हेलो, जैसे ही आपके पास देखिए, जैसे ये हमारे पास कॉटन है, अब हम इसको देखेंगे कि हम यार्न कैसे बनाते हैं, ठीक है, तो ये प्रोसेस सेम प्रोसेस होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग, ठीक है। जैसे अभी हमने बॉल से सिर्फ हमने गिनिंग प्रोसेस के थ्रू इस कॉटन को रिमूव कर लिया है, अब हम देखेंगे कि स्पिनिंग के थ्रू हम इसको यार्न में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो आपको साइड से इस तरीके से थ्रेड दिख रहे हैं, हम इसको एक एक करके इसको निकालना शुरू करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, फाइबर, और आप इसको ट्विस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप इसको ट्विस्ट करना स्टार्ट करते हो, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू यार्न, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू यार्न, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं। तो आपने सबसे पहले फाइबर हमने क्या किया, कॉटन को रिमूव किया, उसको हम बोलते हैं गिनिंग, और आपने जब यार्न बनाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग, ओके। चलिए अब आप इसको दो तरीके से, आप तो आप ये तो हमने नॉर्मल, अगर हम स्मॉल लेवल पे या फिर करना है जैसे हमें घर में कोई काम है तो हम इस हैंड से कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं तो आप हाथ से करने नहीं बैठोगे इसको, तो उसके लिए आपको मशीन का यूज करना पड़ता है। तो पहले टाइम पे जो सब इतना ज्यादा हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ था तो हम मशीन का यूज ना करके हम किसका यूज करते थे, स्पिंडल का यूज करते थे, किसका यूज करते थे, स्पिंडल का। क्या होता है ये इस तरीके इंस्ट्रूमेंट होता है, आप इसको गोल गोल घुमाना स्टार्ट करोगे इस तरीके से, तो इसमें क्या होगा, एक एक फाइबर इसमें ट्विस्ट होता जाएगा, जो हम हाथ से इस तरीके से इसको गोल गोल घुमा रहे थे, अब स्पिंडल से हम क्या करेंगे, इसमें रिवॉल्व होता जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यार्न। तो हम इस स्पिंडल के थ्रू भी स्पिनिंग प्रोसेस को ही करते हैं जिससे यार्न में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। अब हम देखते हैं, आप इसको कॉपी में भी नोट कर सकते हो, और ये आपको एक वी डायग्राम रहता है, इससे आपको याद करने में या समझने में बहुत इजी पड़ता है। सबसे पहले देखिए, आपने कॉटन लिया, कॉटन की आपने गिनिंग के थ्रू किसमें कन्वर्ट करा, आपने फाइबर में कन्वर्ट करा, ठीक है। एक बार जब ये फाइबर में कन्वर्ट हो गया तो हमने कौन सी प्रोसेस की थी, स्पिनिंग की थी। अब आप स्पिनिंग को क्या कर सकते हो, थ्रू हैंड भी कर सकते हो, और इंडस्ट्रियल लेवल पे आप स्पिंडल और चरखा का यूज करते हो, वो कर सकते हो, ठीक है। स्पिनिंग की, स्पिनिंग के बाद आपने क्या बनाया, यार्न बनाया। अब हमारे पास क्या बन गया है, यार्न बन गया है, ठीक है। अब यार्न से हमें क्या बनाना है, फैब्रिक, तभी तो हम अपनी क्लॉथ बना पाएंगे। तो यार्न से जब हम फैब्रिक बनाएंगे उसके लिए हमारे पास दो प्रोसेस है, या तो हम थ्रू नेटिंग बनाएं या फिर हम थ्रू वीविंग बनाए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इन दोनों प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, निटिंग क्या होती है और वीविंग क्या हो सकती है। आप इसको कॉपी में भी बना लोगे इस पूरे डायग्राम को, ठीक है, और हर एक लेक्चर के लेक्चर जब भी आपका चल रहा है तो आपको अपनी कॉपी पेंसिल लेके बैठना है, इट इज कंपल्सरी कि जो भी इंपॉर्टेंट आपको आता है वो आप लिखोगे कॉपी में। जैसे ये रे डायग्राम है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको कॉपी में नोट डाउन करोगे। चलिए अभी देखते हैं वीविंग क्या होता है। अभी हमने देखा हमारे पास क्या बन गया था, यार्न बन गया था। अब हमें यार्न को किसमें कन्वर्ट करना है, फैब्रिक। फैब्रिक मतलब एक सिंपल क्लॉथ, और उस क्लॉथ से फिर आप डिफरेंट टाइप की क्लॉथ, सॉरी, एक सिंपल फैब्रिक है, आप उसको क्लॉथ में कन्वर्ट, ड्रेस में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। फैब्रिक आप ये समझिए क्लॉथ है, और फिर आप उसमें स्टिचिंग वगैरह करके डिजाइन डालकर किसमें कन्वर्ट कर देते हो, क्लॉथ में, ड्रेस में कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है। जैसे अगर हम वीविंग की बात करें,
बीविंग की बात कर रहे हैं, तो बीविंग क्या होता है, बीविंग में क्या होता है, आप टू टाइप्स के क्या लेते हो, यार्न्स लेते हो और उनको उनको क्या करते उन ठीक। तो अभी हमारे पास क्या था, यार्न। अब हमें यार्न को किस में कन्वर्ट करना है, फैब्रिक में। अब हमारे फैब्रिक में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो प्रोसेस है, या तो हम बीविंग के थ्रू कर सकते हैं या फिर हम निटिंग के थ्रू कर सकते हैं। निटिंग पहले बीविंग देखते हैं, ठीक है। कि बीविंग में क्या होता है कि आप टू डिफरेंट टाइप्स के क्या लेते हो, यार्न लेते हो, मतलब दो अलग अलग तरह के आपने यार्न लिए और उनको आप क्या कर सकते हो, दोनों को मिला के आप फैब्रिक में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके लिए हमें एक्टिविटी करके देखते हैं और देखते हैं कि वीविंग प्रोसेस कैसे होती है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या लेना है, देखते हैं, इसको मैं बताती हूँ। आपको क्या लेना है, एक पूरा इस तरीके का A4 साइज का आपको एक पेपर ले लेना है और आपको एक लास्ट में एक बेस लाइन बनानी है। देखिए ये आपको आपको इसमें एक बेस लाइन बनानी है, आपको यहाँ पे दिख रही है बेस लाइन, और उसके बाद आप इसमें इस तरीके से स्ट्रिप काट लोगे, ठीक है। पूरा नहीं कट करना है, जिस तरीके एंड में जोड़ा रहा है, ठीक है, अटैच रहा है इसमें एंड में, और इस तरीके से आपको बना लेना है। अब आपको क्या लेना है, एक दूसरा पेज लेना है इसी तरीके का और उसकी आपको इसकी स्ट्रिप करके रख लेनी है, इस तरीके से आपको स्ट्रिप निकाल के रख लेनी है। अब आप क्या करोगे, आप इस पेज पे वन अप और वन डाउन इसको इसमें अटैच करना है, वन अप और वन डाउन। देखिए वन अप और वन डाउन आप जब इसको अटैच करोगे, दिखाई दे रहा है, इस तरीके से, तो ये आपको क्या होगा, डिफरेंट कलर का ये दिखाई देने लगेगा, है ना। तो इसी तरीके से ये बीविंग आप करते हैं, इसको आप मतलब अगर आपको बहुत लोअर स्टेज पे करना है, मतलब आपको ज्यादा वर्क नहीं है, बहुत कम है, तो आप इसके थ्रू कर सकते हो। लेकिन अगर आप बहुत बड़े लेवल पे काम करो तो आप इसको किसके थ्रू कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ मशीन। हमारे इंडस्ट्री लेवल में बड़ी बड़ी मशीन लगी हुई होती है, आप उसके थ्रू भी इसको कर सकते हो। देखिए मैंने ये दो स्ट्रिप बना दी, आप इसमें बहुत सारी अटैच करके देख सकते हो। इस बिल्कुल सेम प्रोसेस आपको इस बीविंग में हम लोग करते हैं, ठीक है। और आप लोगों ने आपके आप इसको खुद भी घर पे ट्राई कर सकते हो और फिर बता सकते हो। अब आप इसमें ये जो देखने वाली चीज है, जो नोट करने वाली चीज है, यहाँ पे आप देखिए कि वीविंग करने के लिए आपको दो डिफरेंट टाइप्स की यार्न चाहिए। सपोज कर लीजिए कि ये ब्लू कलर एक हो गया और ये आपने दूसरा ले लिया पिंक कलर का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं निटिंग में क्या होता है। तो निटिंग में आप सबने देखा होगा कि जब विंटर सीजन होता है तो सबकी मम्मियां जिसको बनाना आता है तो वो स्वेटर तक बनाती हैं। तो वो क्या करती है, जब आपने देखा होगा स्वेटर बनाते टाइम पे वो एक ही जो गोला रहता है उनका, है ना, तो उससे पूरा एक स्वेटर बन जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, निटिंग। तो आपका डिफरेंस क्या है बीविंग और निटिंग में, कि बीविंग में हमें दो यार्न की जरूरत पड़ती है, लेकिन इन केस ऑफ निटिंग वी नीड ओनली वन यार्न। अगर हमारे पास एक यार्न है तो उससे हम पूरा फैब्रिक रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, निटिंग इज अनदर इम्पोर्टेंट प्रोसेस बाय विच फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न। यार्न से हम फैब्रिक बनाने की दूसरी प्रोसेस है। फर्स्ट तो बीविंग हो गई, सेकंड क्या हो गई है, निटिंग हो गई। अब देखते हैं इन निटिंग क्या होता है। इन निटिंग ए सिंगल यार्न यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। एक सिंगल यार्न का यूज करते हैं ना, जैसे आप स्वेटर वगैरह बुनते हो तो आप एक ही ऊन से पूरा स्वेटर वगैरह बना लेते हो, तो उसमें आप सिर्फ सिंगल यार्न का यूज कर रहे हो, ठीक है। और अगर आप इसको एक्सपेरिमेंटली भी कर सकते हैं, अगर हमारे घर में कुछ सॉक्स पड़ा हो तो अगर हम उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट निकालकर पूरा उसको अगर हम स्टार्ट करना खींचना स्टार्ट करें तो वो एक पूरा सिंगल यार्न से हमारा सॉक्स रेडी होता है, ठीक है। तो इसको आप घर पे भी एक्सपेरिमेंटली कर सकते हो। अब जो निटिंग है वो यहाँ पे लास्ट लाइन देखिए, निटिंग क्या लिखी हुआ है, कि ये जो निटिंग है, निटिंग इज डन बाय द हैंड एज वेल एज द मशीन। मतलब हैंड के थ्रू भी कर सकते हैं और मशीन के थ्रू भी कर सकते हैं। हैंड तो हमने बता दिया कि ऐसे होगा, अब हम देखते हैं कि मशीन कैसे होती है। देखिए तो जो मशीन होती है वो आपको इधर डायग्राम पे दिखाई दे रही है, इस तरीके का इंडस्ट्रियल लेवल में इतनी बड़ी बड़ी मशीन हमारी लगी हुई होती है
और उसमें ये जो आप देखते हो जो मार्केट में जो स्वेटर वगैरह आते हैं, तो जो घर के बने हुए होममेड स्वेटर होते हैं और जो मार्केट के स्वेटर होते हैं उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो वो मशीन के थ्रू बने होते हैं, तो उधर भी निटिंग प्रोसेस ही होती है लेकिन वो मशीन के थ्रू होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है जरा देखते हैं कि हमने अभी हम 2020 में 2021 में है, और इससे पहले जो हमारे एंसेस्टर थे मतलब हमारे पूर्वज थे उनके पहनने और हमारे पहनने में जो क्लॉथिंग स्टाइल है, ड्रेस स्टाइल है, उसमें बहुत डिफरेंस है ना। तो उन्होंने कैसे हमने इतना डेवलप किया वो देखते हैं। तो अगर हम देखें जो हमारे एंसेस्टर थे तब हमारे पास कपड़े नहीं होते थे, हमारे पास कोई फैब्रिक नहीं होता था। तो वो लोग क्या करते थे कि वो लोग जो पेड़ पौधे रहते थे, जो ट्री की लीव्स वगैरह होती थी उसके थ्रू वो ड्रेस बना लेते थे। लेकिन वो सिर्फ गर्मियों में काम करते थे, लेकिन अगर आप सोचिए विंटर में हम लोगों को इतनी ठंड लगती है तो उनको भी लगती होगी। तो उससे बचने के लिए उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, अब उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, जो स्किन होती है एनिमल्स की उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उससे भी काम नहीं चला, जब उन्होंने कम्युनिटी में रहना स्टार्ट किया, जब वो लोग कम्युनिटी में रहने लगे तब उन्होंने सोचा कि अगर हम इसको स्टिच कर दें तो कैसे कर पाएंगे स्टिच। तो वाइन्स होती है, वाइन्स मतलब लता, या फिर जो आपने बेल वगैरह देखी होगी तो उसमें जो मोटी मोटी लकड़ियां होती है उसके थ्रू उन्होंने बांध बांध के पहनना स्टार्ट कर दिया। जब उन्होंने ये पहनना स्टार्ट किया उसके बाद हमारा इन्वेंशन हुआ किसका, स्विंग मशीन का हुआ, निडल का हुआ। फिर उन्होंने उसको जोड़ जोड़ के पहनना स्टार्ट करा, और उसके बाद हम आए कॉटन क्लॉथ किसी। फिर उन्होंने देखा कि जब फार्मिंग करते थे कॉटन की, कि भाई इससे भी हम क्या कर सकते हैं, ठंड बचा सकते हैं। ठीक है, कॉटन से हम बचा सकते हैं उसको, ठंड बचा सकते हैं। जब आपने कई बार देखा होगा अगर बहुत ज्यादा रूरल एरियाज में जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वहां पे हॉस्पिटल वगैरह की वहां पे हॉस्पिटल वगैरह नहीं होते, तो कुछ कई बार वो न्यू बॉर्न बेबी को रुई भी लगा देते हैं, तो उससे उसको क्या मिल जाती है, गर्माहट मिल जाती है। जब उन्होंने सोचा कि अगर ये यूज कर सकते हैं तो हम इससे क्यों ना स्टिचिंग करके या फिर स्विंग मशीन की हेल्प से हम इसको यूज करना स्टार्ट कर दे। तो फिर तब उस टाइम पे चरखा वगैरह चलते थे। फिर सबसे पहले जो हमने यूज किया वो कॉटन क्लॉथ का ही यूज किया था, और कॉटन क्लॉथ के बाद आज तो हम कितनी वैरायटी, मैन मेड वैरायटी है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जैसे पॉलिस्टर, रेयन, नायलॉन वगैरह आप नायलॉन वगैरह यूज करते हो तो वो क्या हो जाएगी, मैन मेड वैरायटी भी आज हमारे पास बहुत सारी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये डेवलपमेंट किया। ओके, देखिए इस तरह आपको डायग्राम पे दिखाई दे रहा है कि मतलब पहले हमारे पास क्लॉथ नहीं होते थे, तो आप देख रहे हो ये पत्ते वगैरह पहने हुए, तो जब ये लोग सिंगल रहते थे, अगर इन्होंने कम्युनिटी में जैसे बहुत सारे गांव के लोग अपने जैसे बहुत सारे लोगों के साथ, तो फिर इन्होंने देखा कि हम इसका यूज भी कर सकते हैं। सबसे पहले इन्होंने स्टिच करना स्टार्ट किया, निडल का इन्वेंशन हुआ, फिर निडल से स्विंग मशीन पे गए, फिर तो अब हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट है जिससे हम न्यू न्यू टाइप की ड्रेसेस बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको दो एक्स करने हैं। एक तो आपको ये वीविंग का एक्सपेरिमेंट करना है, ये छोटी सी एक्टिविटी है, एक्टिविटी कहना ज्यादा सही होगा, एक्सपेरिमेंट नहीं, तो इसको आपको करना है। और आपको बताना है कि निटिंग के कैसे कर सकते हैं, अगर आपकी मम्मी वगैरह कर लेते हो तो आप उसकी वीडियो बना के आप मुझे सेंड कर सकते हो। थैंक यू।